लता दीदी प्रणाम, मैं नरेंद्र मोदी बोल रहा हूँ। प्रणाम। मैंने फोन इसलिए किया क्योंकि इस बार आपके जन्मदिन पर मैं हवाई जहाज में ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। अच्छा। तो मैंने सोचा जाने से पहले ही आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, अग्रिम बधाई दे दूं। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपका आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे, बस यही प्रार्थना। और आपको प्रणाम करने के लिए मैंने अमेरिका जाने से पहले ही आपको फोन कर दिया। आपका फोन आएगा ये सुन के ही मैं बहुत ये हो गई थी। आप जाके कब वापस आएंगे? मेरा आना होगा 28 लेट नाइट और 29 मॉर्निंग, और तब आपका जन्मदिन हो गया होगा। जन्मदिन तो क्या मनाएंगे, और बस घर में ही सब लोग। दीदी देखिए, मुझे तो आपका मतलब आशीर्वाद मिले तो। अरे आपके आशीर्वाद हम मांगते हैं, आप तो हमसे बड़े हैं। उम्र से बड़ा तो बहुत कुछ लोग होते हैं, पर अपने काम से जो बड़ा होता है उसका आशीर्वाद मिलना बहुत बड़ी चीज होती है। मैं तो सोचती हूँ कि ये मेरे माता पिता का आशीर्वाद है और सुनने वालों का आशीर्वाद है, मैं कुछ नहीं हूँ। यही आपकी नम्रता जो है, ये हम नई पीढ़ी के सबके लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा है, बहुत बड़ा हमारे लिए इंस्पिरेशन है कि आपने जीवन में इतना सब कुछ क्लियर करने के बाद भी आपके माता पिता के संस्कार और उस नम्रता को हमेशा ही प्राथमिकता दी है। जी, आप क्या है आपको खुद पता नहीं है। मैं जानती हूँ कि आपके आने से भारत का चित्र बदल रहा है, और वो वही मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। बस दीदी आपके आशीर्वाद बने रहे, पूरे देश पर आपके आशीर्वाद बने रहे, और हम जैसे लोग कुछ न कुछ अच्छा करते रहे। मुझे आपने हमेशा प्रेरणा दी है, आपकी चिट्ठी भी मुझे मिलती रहती है और आपकी कुछ न कुछ भेंट सौगात भी मुझे मिलती रहती है, तो एक अपनापन जो एक पारिवारिक नाता है उसका एक विशेष आनंद मुझे होता है।